बिहार में मुख्यमंत्री नल जल योजना में भारी घोटाला, ठेकेदार पैसे लेकर फरार। चुकिया थाना क्षेत्र के पूरन छपरा के सहता गांव के वार्ड 13 में नल जल योजना का काम अधूरा। बिहार के नवादा में जिले के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र के अंसार नगर में एक गोदाम में लगी आग। आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा। ये चप्पल का गोदाम था जहां लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, जो कि अब जलकर राख हो चुका है। बिहार के जमुई में झाझा अंचल कार्यालय में राशन कार्ड के लिए आवासीय बनाने की लगातार 10 दिनों से लग रही है भीड़। एक तरफ प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि राशन कार्ड में ऑनलाइन आवासीय का रिसीविंग नहीं चलेगा। बिहार के नवादा में कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरने का किया गया आयोजन। बिहार के पश्चिमी चंपारण में किसके संरक्षण में फल फूल रहा है बालू माफियाओं का कारोबार? क्या खनन विभाग एवं बालू माफियाओं के मिलीभगत से ही हो रहा कारोबार? उत्तराखंड के कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा सड़क पेंटिंग का कार्य, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आने लगा है। इस सड़क पर डामर बिछे अभी भी महज 15 दिन ही बीते हैं, लेकिन सड़क पर हुए नई पेंटिंग इन चंद दिनों में भीतर ही उखड़ने लगी। उत्तराखंड के धारचूला में तहसील के राठी मोटर मार्ग पर चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में एक घंटे से अधिक समय तक का चक्का जाम कर विरोध जताया। बड़ी संख्या में ग्रामीण राजेंद्र धामी तथा दान सिंह धामी के नेतृत्व में तपोवन पहुंचे। उत्तराखंड के धारचूला में प्रभारी तहसीलदार व प्रभारी नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर गैर भुलेख स्वर्गीय अधिकारियों को तैनात किए जाने से नाराज पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ ने 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। हरियाणा के उकलाना के किनाला गांव के किसान परिवार में जन्मी मनीषा कुंडू ने ग्रामीण आंचल में पली बड़ी। मनीषा ने कर्नाटक में हो रही नेशनल जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में पंजाब की खिलाड़ी को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। पंजाब के मोगा में दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर मोगा के सैकड़ों नौजवानों का जत्था हुआ रवाना। शहीद नवरीत के दादा डिबडिबा ने की जत्थे की अगुवाई। मोगा के गुरुद्वारा में अरदास। पंजाब के अमृतसर के पाकिस्तान के वाटर स्लीपिंग कमीशन का 7 सदस्यीय प्रतिमंडल मेहर अली शाह की रहनुमाई में आज सचखंड श्री हर मंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचा। पंजाब के अमृतसर के हाल बाजार में बंद को लेकर किसानों ने किया लोगों को जागरूक, कहा कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों का सहयोग दे। दुकान जाकर किसानों ने मांगा सहयोग। पंजाब में अपनी ही बेटी बहन के खिलाफ एक युवक ने की भूख हड़ताल। पंजाब के अमृतसर के नौशहरा में आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। कल देर रात कुछ युवकों द्वारा किया गया हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया हमला। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पंजाब के पठानकोट में मास्क ना पहनने वाले लोगों पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा। कोरोना टेस्ट के बाद अब पुलिस ने चालान काटने किए शुरू। पंजाब के अमृतसर में 16 तारीख को हुए कत्ल के मामले में पुलिस ने एक आरोपी सनी को किया गिरफ्तार। युवकों द्वारा आपसी रंजिश के चलते किया गया साहिल का कत्ल। सनी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर किया था कत्ल। पुलिस ने आरोपी सनी से एक नाजायज पिस्तौल बरामद की। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले की कोयलांचल नगरी धनपुरी में सूदखोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार के मोतिहारी के दुर्कौलिया थाना परिसर में प्रशिक्षु डीएसपी सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में होली त्योहारों को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री सिंह ने कहा, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए होली त्योहारों में शारीरिक दूरी का पालन कर सादगी पूर्वक मनाएं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गरजे बीजेपी पर, कहा बीजेपी दोगली नहीं तोगली झूठी पार्टी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में राज्य में फिर एक बार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा। राजनांदगांव जिले की सीमा दुर्ग और महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए एहतियातन आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगामी दिनों होली त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुराने गुंडे बदमाश हिस्ट्री शीटर उपद्रवी असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस त्योहारों से पहले ऐसे वारंटी
स्थायी वारंटियों को तमिल कराने का सिलसिला राजधानी में शुरू हो चुका। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत थाना नवागढ़ में आज नवागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में होली त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित।